नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव। आज कारगिल विजय दिवस और हर कोई भारत माता के लिए अपनी जानों की बलिदान देने के लिए लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि आज कारगिल में 1999 में जितने भी हमारे जवान शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने का समारोह भी कारगिल में रखा गया था। इसी पर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं कठुआ के इलाके में खरोट में, जहाँ एक जवान शहीद हो गए थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि विजुअल्स जो हैं वो दिखाएं कि ये हैं तरन कुमार जो बांडीपुरा में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। तरन कुमार पांच भाई हैं और पांच भाइयों में से तीन भाई सेना में हैं। और सबसे अहम बात ये है कि इन्हीं के परिवार में से जो बेटी है वो भी सेना में है। तो चलिए आज हम इसी बेटी से बातचीत करेंगे, इसी बेटी से आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो अपनी श्रद्धांजलि अपने शहीद चाचू को देती हैं। सबसे पहले तो नाम जानना चाहूँगी। कंचन। कंचन, आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन आज आप कुछ कहना चाहेंगी शहीदों को लेकर? शहीदों को लेके बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ किया, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती हमेशा। बस जब अभी 14 फरवरी को हुआ था हादसा पुलवामा में, उस टाइम भी दो तीन हफ्ते तो चला, उसके बाद फिर से बंद हो गया। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसके बाद फिर से काम जहाँ वहाँ का वहाँ ही रख दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। कंचन, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, सरकार पर हम आएंगे, लेकिन ये जानना चाहूँगी कि चाचू से कितना प्यार था? चाचू तो एक फादर के समान थे, वो बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने तो हमें कभी नाम लेके पुकारा ही नहीं, हमेशा पुत्री करके बुलाते थे वो हर टाइम। कभी भी उन्होंने ऑडियो कॉल नहीं की, हमेशा वीडियो कॉल ही करते थे। हम अगर हम भूल भी जाते थे ना, लेकिन फिर भी वो, उनको पता था हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन वो फिर भी उनकी हफ्ते में दो तीन बार कॉल कर ही देते थे। और फिर हंस के कैसे मैनेज करते थे, आप भी सेना में और चाचू भी सेना में, लेकिन फिर भी जो एक गैप था वो कभी नहीं उन्होंने होने दिया? बिल्कुल नहीं होने दिया, होने नहीं देते थे वो। अगर हम भूल भी जाते थे ना, लेकिन फिर भी वो कॉल करके बस यही, आप ठीक रहना, कभी डरना मत, कभी भी किसी से डरना नहीं है, आप मेरे बेटे हो, किसी से नहीं डरना, आप अभी फौज में चले गए हो, बहुत कुछ बोलते थे। हमें नहीं, मतलब हर किसी को बस यही बोलना उन्होंने कि अच्छा करो। हमारे मोहल्ले में एक चाचू जी थे, वो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उनको भी उन्होंने बोला कि जो भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा, लेकिन एटलीस्ट पढ़ाई तो कर ले। इतना था उनको, मतलब दूसरों के प्रति इतना था, तो हम तो उनके अपने थे। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने कही कि जो तरन थे वो बहुत लोगों की मदद करते थे, दिल में इतना प्यार लोगों के लिए। कि अक्सर हमने देखा है कि जब भी हमारे कोई जवान शहीद हो जाते हैं, जब उनके हम परिवार वालों से मिलते हैं, तो अक्सर सुनने को मिलता है कि ये जवान बहुत अच्छा था, वो परिवार वालों से बहुत प्यार करता था। इतना ही नहीं, जो गाँव वाले हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे भी इतना प्यार। तो मैं आपसे कंचन ये भी जानना चाहूँगी कि चाचू की तरफ से कितना कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा। हमेशा मतलब कि वो, हम पढ़ते नहीं थे ना, तो उन्होंने बोला पढ़ लो कुछ, कर लो कुछ, आगे काम आएगा। अभी पीछे छुट्टी में थे, जब हम लास्ट टाइम जब मिले थे, फरवरी में आए थे छुट्टी में, मैं आई थी और चाचू जी उस दिन गए थे। उस टाइम भी मतलब ये बोल के गए थे कि अभी हम जून में मिलेंगे, क्योंकि वो मेरे दादू की बरसी थी, उसी दिन मिलना था चाचू। मैं अंडर ग्रेजुएट थी, तो बीच में पढ़ाई छोड़ के मुझे बीएसएफ में जाना पड़ा, लेकिन फ़ोन करके हमेशा यही बोलते थे एडमिशन ले ले, आगे पढ़ ले, आगे बढ़ ले, आगे बढ़ना यही नहीं रहना है, बहुत दिक्कत होती है आगे, थी आगे कहीं अच्छा ऑफिसर बन के दिखाना है, घर का नाम रोशन करना है, हमेशा यही बताते थे वो। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं किया, कभी भी नहीं किया। आप देख रहे हैं कि एक बेटी और पिता में कितना प्यार है, और पिता से भी
ज़्यादा प्यार करते हैं चाचू? ये तो एक नियति है, क्योंकि कहते हैं ना कि माता पिता से ज़्यादा प्यार दादी दादा अपने पोतों से करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात रहती है। लेकिन अगर हम सीखने की बात करें तो कंचन ने बहुत अपने चाचू से सीखा। कंचन, अब आपकी ज़िंदगी के बारे में भी बात करूँगी कि BSF में आप कैसे गई, कैसे सोचा कि BSF में जाना है? BSF में शौक था मुझे आर्मी में जाने का, बट उस टाइम आर्मी में लड़के नहीं लेते थे। इस टाइम हो रही है भर्ती आर्मियों की, तो हमेशा यही था कि मुझे आर्मी में जाना। जब छोटी सी थी तभी स्कूल में कोई टीचर पूछता था किस में जाना है, मैं हमेशा यही बोलती थी फौज में जाना है। एक दिन सडनली हम वो वहाँ से सेक्टर से निकल रहे थे, वहाँ पे फॉर्म थे BSF के, तो ऐसे मजाक में मेरे और भी फ्रेंड्स थी, मैंने अकेले नहीं भरा था, और भी मेरे साथ फ्रेंड्स थी, हम सभी ने साथ ही भरा था, और अखनूर में देखी थी हमने भर्ती, और बड़ी मतलब उन सभी में से सिर्फ मैं ही अकेली हुई थी, सिलेक्शन मेरी हुई थी। कई मेडिकल में रह गए थे, कोई हाइट में रह गए थे, कोई रनिंग में रह गए थे, सिर्फ मेरी ही सिलेक्शन हुई थी। मतलब बहुत अच्छा लगा था कि मतलब कितनी खुशी होती है उस वक्त की, सारी सहेलियां रह गई लेकिन आप सेलेक्ट हो गए। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा था भी कि मतलब कि जो फ्रेंड्स मेरे साथ मतलब शुरू से थी, वो जब मैं BSF में गई वो पीछे छूट गई, लेकिन फिर भी क्या करना, लाइफ में कुछ ना कुछ अगर कुछ पाना हो तो कुछ खोना भी पड़ता है। कुछ बताना चाहेंगी हमारी बेटियों से, क्योंकि बेटियों के लिए आप एक मिसाल हैं, बेटियों को कोई मैसेज देना चाहेंगी कि सेना में भी भर्ती हुई है, सेना में भी जाइए, अपनी जांबाजी जिंदा दिली सरहदों पर भी दिखाइए? बिल्कुल, जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तब हमें मतलब इतना प्राउड फील होता है कि मतलब लगता ही नहीं है कि हम एक बेटी हैं, हमेशा ऐसा ही लगता कि हम एक बेटा, मतलब उसी हिसाब से हमें डाल देते हैं वो कि आप एक लड़की नहीं हो, आप एक लड़का हो। जब हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है ना, हमें बस ये सिखाया जाता है कि आप एक बेटी नहीं हो, बेटा ही हो। अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, और मोहल्ले में मैं एक फर्स्ट लड़की हूँ जो BSF में गई हूँ। और एक मिसाल कायम की है आपने। यहाँ पर जितने भी घर मैंने देखे, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन इनमें से आप एक ऐसी बेटी हैं जो सरहदों पर इस वक्त हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, काबिले तारीफ़ है। और हमने अक्सर देखा कि हमारी महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है। बार बार जिस तरह मैं महिलाओं से बात करती हूँ कि महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं है, महिलाएं अपने लिए लगातार काम कर रही हैं, सशक्त हो रही हैं महिलाएं, और आज कंचन उसी की एक मिसाल हैं कि किस तरह कंचन ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और किस तरह वो ट्रेनिंग में जाकर अव्वल नंबर पर आई और सेना में भर्ती हो गई। कंचन, कुछ बताना चाहोगी कि भारत माता की रक्षा करने के लिए कितना जज्बा चाहिए? वो तो यूनिफॉर्म पहन के ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो जज्बा ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब हम जवानों से मिलते हैं तो हमें मिलने पर इतनी खुशी और इतना गर्व महसूस होता है कि बस अगर ये हैं तो हमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन समझिए कि जब बॉर्डर पर भी हमारी महिलाएं मोर्चा संभालती हैं तो बहुत खुशी रहती है, क्योंकि एक महिला घर से निकलकर, चार दीवारी से निकलकर अब सरहदों तक पहुंच चुकी है। ये हैं सशक्त महिला की एक मिसाल। तो कंचन, जाते जाते कुछ बताना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी बेटियों से कि आप आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं सरकार के द्वारा? बहुत बनाए गए हैं, मुझे तो खुद जब मैं फ़र्स्ट टाइम हुई थी मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट लड़की थी, और मेरी एक फ्रेंड है वो भी बोलती है कि यार मैंने भी होना है, मुझे भी साथ ले चल, अगर कोई भी ऐसा फॉर्म निकलता है तो मुझे बता। तो हर एक अभी मैं ही नहीं चाहती, मतलब हर एक लड़की चाहती है कि हम घर से निकल के कुछ अच्छा करें, मतलब हमारी वजह से हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो। और आजकल तो बेटा बेटी में तो कोई अंतर ही नहीं रहा। एग्जैक्टली, आजकल बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बेटे जो काम कर सकते हैं वो बेटियां भी कर सकती हैं, जो बेटियां कर रही हैं वो काबिले तारीफ़ है, वो हम सब ने देखा और आज भी देख रहे हैं, कल भी देखेंगे और आगे भी देखते चलेंगे। और लगातार कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर हमने कंचन से भी बात की है, उन्होंने अपने चाचू को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम भी तरुण कुमार को अपनी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आज जो संदेश हमने दिया है वो ये है कि महिलाएं किसी भी फील्ड में पुरुषों से कम नहीं हैं, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं, वो शक्ति रखती हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर वो शक्ति है, वो अपरंपार शक्ति है कि वो किसी से भी लड़ सकती है, क्योंकि उसी की मिसाल कंचन है। कंचन ने अपने गांव में एक हिस्ट्री
एक इतिहास कायम किया है कि कंचन यहाँ की एक पहली लड़की है जो बीएसएफ में भर्ती हुई है और बीएसएफ में रहते हुए देश की सेवा कर रही है। बहुत ही अच्छा लगता है। जय हिंद, जय भारत।